40 साल के उम्र के बाद आपको काम नहीं करना है, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूं। ये देखिए कि जब हम बोलते हैं 40 साल के बाद मुझे काम नहीं करना है, इसका मतलब रिटायर यंग, रिटायर रिच, क्या आपको रिटायर होना है? इसका मतलब ये नहीं कि रिटायर होना मतलब घर जाके सो जाना है और कुछ काम नहीं करना है। यदि आप 40 साल की उम्र में आपके पास में इतना फंड जमा तैयार करके रखते हो कि वहां से आपको पैसिव रिटर्न आ रहा है, वहां से आपको पैसिव, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको जितनी जरूरत लगती है उतना रिटर्न हर महीने के महीने महीने के महीने आ रहा है, उतना पैसा आपने जमा कर दिया हो तो आप रिटायर हो सकते हैं। क्योंकि आपने सपोज आज के तारीख में, आज के अंदाज से, आज के कैलकुलेशन से, फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ रुपए जमा करके रखे हैं और वो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आप जब करते हैं और अच्छी कंपनी में करते हैं, 10 साल के लिए करते हैं, 10 साल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद में रोज खोल के देखते हैं कितना हुआ कितना हुआ, 10 साल, तो आपको 15% का एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसा है कि आपको 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो आपको 2 करोड़ रुपये यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 3 लाख रुपये महीने के मिलते रहेंगे और उसका डिविडेंड अलग। 3 लाख रुपये महीना आपको यदि मिल रहा है वहाँ से, मतलब उसका एप्रिसिएशन हो रहा है 3 लाख रुपये महीने से, तो आपको कोई काम ही करना नहीं। और यदि आपको काम करना नहीं फिर आप क्या करेंगे रोज? तो रोज आप आपके पैशन का काम करेंगे, जो काम में आपको मजा आती है, जो काम करने में आपको बहुत रुचि है। किसको लगता है कि मैंने गार्डनिंग करना चाहिए, किसको लगता है कि मैंने बहुत घूमने जाना है मगर जा नहीं पाते, किसको लगता है बहुत रीडिंग करना है, किसको लगता है पेंटिंग करना है, किसको लगता है ऐसा कि अपने चैरिटी करना है, किसको लगता है कि एनजीओ खोलना है और लोगों के लिए काम करना है। बहुत सारे विकल्प होंगे कि जो लोगों को करने की इच्छा है मगर लोग बोलते कर नहीं पाते क्योंकि टाइम नहीं है और वो रोज काम पे जाना पड़ता है, काम पे नहीं गए तो पैसा कमाएंगे नहीं, पैसा नहीं कमाएंगे तो घर कैसा चलाएंगे। मगर घर चलाने के लिए जितनी भी आपकी नीड है, और आज के ज़माने में 2 बच्चे और माँ बाप यदि रहे, 4 लोग घर में रहे, बाप माँ और 2 बच्चे, तो और समझो माता पिता भी घर में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से आप जीवन जीते हैं तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर लगते नहीं अच्छी तरह से। तो क्या आपको 1 लाख रुपए महीना पैसिवली हर महीने में आपके खाते में जमा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पैसे के लिए काम करना नहीं है, काम पे जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है, ऐसा तो नहीं होगा, जाना है तो जाने दो, मत जाओ, और फिर आप आपका पैशन पूरा कर सकेंगे और मज़े के लिए काम करेंगे, पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। क्योंकि आज 95% to 99% लोग बोलते हैं, उनको पूछा काम पे क्यों जाते हैं, क्यों काम करते हैं, बोले पेट के लिए करना पड़ता है, काम पे नहीं गए तो घर कैसे चलाएंगे। मतलब हर आदमी ये बोलता है कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, तो लोग पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, लोग पैशन के लिए काम करेंगे। तो फिर ये जो है पैसा, ये आज तो अपने पास में नहीं है 2 करोड़, फिर क्या हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आज से यदि हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो 20 साल तक करते हैं, 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट, और आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो क्या आप 20 साल के बाद में रिटायर हो सकते हैं? आपकी एज आज कुछ भी हो जाए, तो फिर समझ के चलो कि आपकी एज आज 20 साल की है, 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स की है, आप 10,000 रुपये महीना हर महीने में 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक्स में, और वो भी जाने माने स्टॉक्स में। ऐसा नहीं कि कोई टिप आ गई ले लिया, भावना में बढ़ के ले लिया, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ब्लू चिप कंपनीज सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपये हर महीने में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो 20 साल के लिए कर रहे हैं, 20 ईयर्स, तो आपके जो भी कुछ है तो 20 साल के बाद में कितना पैसा मिलेगा आपको समझ में आएगा। इसमें कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो ये मेरा फ़ोन है, इसमें मैंने SIP कैलकुलेटर है, तो SIP कैलकुलेटर मैंने, ये आपको ऐप है, ये मैं इसकी लिंक मैं देता हूँ नीचे, तो ये आप ऐप डाउनलोड कर लो, और SIP कैलकुलेटर में यदि आप देखते हैं कि भाई अभी मैं SIP कैलकुलेटर लिया हूँ, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, और मैंने यहाँ लिखा कि भाई 10,000 रुपये महीना मैं SIP अमाउंट डाल रहा हूँ हर महीने की 1 तारीख को, और मैं ये 20 साल के लिए डाल रहा हूँ,
20 ईयर्स। मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये स्टॉक्स में 15% का है। अभी आज तक का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आपने देखा होगा तो 13.8 है अप्रॉक्सीमेटली। मैं 15 पकड़ रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया फास्ट बढ़ रहा है। 15% का रिटर्न मिलेगा और टॉपअप परसेंटेज मतलब हर साल मैं उसमें 10,000 में हर साल 10% बढ़ा हो रहा हूँ उसको। मतलब ये 10,000 एक साल के लिए मैंने डाले, हर महीने में 10,000, तो अगले साल में पहले महीने से मैं डालूंगा 11,000 रुपये। तो ये मैंने करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। तो ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट करते हैं तो टॉपअप जो है वो 10% का है और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा तो 2,78,36,330 रुपये होते। 2,78,36,330 रुपये होते हैं यदि आप 10,000 रुपये से 10 से 20 साल तक आप डालते हो 15% रिटर्न से। देखने का नहीं 20 साल तक ही क्या हो रहा है, तो अच्छी कंपनी में डालो, भूल जाओ। अब यही देखो आप, इसका कंपाउंडिंग का कमाल ये रहता है, ये आप नोट डाउन करो, 2,78,36,330 कितना है, 10,000 रुपये 20 साल के लिए। तो आपकी उम्र समझो 20 साल की है आज, और आप 20 साल के लिए कर रहे हो तो 40 साल में रिटायर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा 45 साल तक भी रिटायर हो गए तो चल जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, इसमें आप 25 साल डालो 50 ईयर्स। तो 10,000 रुपये 25 ईयर्स 15% रिटर्न से हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 6,58,17,532 रुपये आपको 25 साल के बाद में मिलेंगे। ये हम पकड़ रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15% का रिटर्न है और हर साल 10% आप बढ़ा के दे रहे हैं। तो इतना ये जादू जो है फ्रीक्वेंसी 10% की, इतनी जादू है जो है ये कंपाउंडिंग की है, कि कंपाउंडिंग होते जाता है, कंपाउंडिंग होते जाता है। अच्छा चलो आप 10,000 छोड़ दो, आप बोले नहीं इतना हम नहीं कर सकते, तो 7,500 मैं यहाँ डाल रहा हूँ। 7,500 रुपये 25 साल के लिए आप डाल रहे, 10% आपका टॉपअप है, हर साल 10-10% बढ़ा रहे तो कितना होगा, तो आपको यहाँ दिखेगा 4,93,63,040 रुपये, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ मिलेंगे। तो 7,500 रुपये एवरी मंथ आप डाल रहे 25 साल तक स्टॉक्स में, तो आपको अंदाजन 5 करोड़ मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको काम की जरूरत नहीं है, 45 साल के उम्र में आप रिटायर हो गए, समझो आपकी उम्र 40 साल की है चलो, और 40 साल की आपकी उम्र है 25 साल तक ये करो, 65 साल में आपको काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी काम आपने किया नहीं तो भी चलेगा, मगर शिद्दत से आपको 7,500 रुपये 25 साल तक डालने के। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 15-20 साल तो इंडियन स्टॉक मार्केट को कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है स्टॉक मार्केट का कमाल और कंपाउंडिंग का कमाल है। तो इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, और स्टॉक मार्केट में यदि आप काम करें तो सिलेक्टेड स्टॉक्स लो, और नहीं तो म्यूचुअल फंड में डालो, सिंपल है, निफ्टी 50 में डालो। निफ्टी 50 में क्या करते हो, निफ्टी 50 में सिलेक्टेड 50 स्टॉक लेते हैं जो अच्छे चल रहे हैं और वो खरीदते हैं, यानी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं निफ्टी 50 में। अब इसमें आपको देखना है कि डोंट्स और डूज, डूज एंड डोंट्स क्या है। नंबर एक, डोंट बी इन ए हरी टू रिटायर अर्ली, जल्दी जल्दी रिटायर होना है उसके लिए आप जल्दी मत करो, जितना जल्दी जल्दी आप करोगे उतने आपके जो डिसीजंस है वो गलत हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। 20 साल तक का मैंने दिया हुआ है, 20 ईयर्स। दूसरा, टिप्स में कभी विश्वास नहीं करना है, इमोशंस पे विश्वास नहीं करना है। तीसरा, इमोशंस पे विश्वास नहीं करना है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, उछाल मारेगा, लगता है, कहाँ लगता भाई, टिप्स किसने बोल दिया, हाँ ये शेयर ले लो, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, मालूम नहीं कुछ ले रहे, नहीं करने का है। SIP करने का है, SIP जो करते हैं आप तब आपको ऊपर नीचे मार्केट कैसा भी हो जाए आपको एवरेज मिल जाता है। लोग क्या करते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा हुआ है, सबको प्रॉफिट दिख रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं मुझे प्रॉफिट हो गया, आप भी जाते हो हाई वैल्यू में शेयर खरीदते हो, बाद में मार्केट गिर जाता है आपको लॉस होता है, फिर आप बोलते हैं कि देखो मेरे को लॉस हो गया। तो इसलिए हाई मार्केट जब है, ऊपर है, सब लोग खरीद रहे हैं तो आपने बेचना है, और लो मार्केट जब हो गया, सब लोग बेच रहे हैं तो आपने खरीदना है। तो ये प्रिंसिपल आप रखते हो तो डेफिनेटली आप करोड़पति 40 साल की उम्र में बन सकते हैं।
वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।